पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई की प्याज लोगों की आंखों में आंसू ला रही है, प्रदेश में महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। कमलनाथ ने कहा कि महंगाई की समस्या सिर्फ प्याज तक सीमित नहीं है, प्रदेश में हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, सरकार महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद महंगाई को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। द खबरदार न्यूज के साथ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार प्याज महंगी होती जा रही है। प्याज त्यौहार का सीजन है, 80 रुपए किलो चल रही है। मुद्दा बनाएगी कांग्रेस सर प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में, और अब प्याज की महंगाई शुरू हो गई। अब केजरीवाल से पूछिए, देखिए ये हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई थी। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात है। बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की मतदाताओं की भावना समझ आ रही है, और इसीलिए वो चाहते हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।